Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the sum problem of Laplace transform. So let's start the problems. So first problem is find the Laplace transform of ft, where ft is cos t minus 2 pi by 3 if t is greater than 2 pi by 3, and this is 0 if t greater than less than 2 pi by 3. तो इस क्वेश्चन को हम शिफ्टिंग थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं. तो हम जानते हैं बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी. इसी को हम यूज़ करेंगे. तो अगर हम इस फंक्शन को लेते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी, तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 डी टी. सो हियर एफ टी इज दिस. तो फिलहाल हम इसको एफ टी ही लिखें, क्योंकि ये रेंज केवल टी ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3 के लिए था, लेस के लिए नहीं था. तो फिलहाल हम यहाँ भी वही चीज़ यूज़ करेंगे एफ टी डी टी. अब हम इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लें, 0 टू 2 पाई बाई 3, क्योंकि हमें एक एफ टी का मान पता है जब टी 0 से लेकर 2 पाई बाई 3 तक है, और दूसरा 2 पाई बाई 3 से लेकर इनफाइनाइट तक. तो हम एफ टी को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लें, या लिमिट पहले चेंज कर लें. तो e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 2 पाई बाई 3 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी. क्लियर? अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. तो हम देख रहे हैं कि जब हमारा t लेस देन 2 पाई बाई 3 है, तो ये एफ टी की वैल्यू क्या है? 0. तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा. क्लियर? दिस इज 0, ये सारा कुछ 0, ये सारा फैक्टर हमें क्या देने वाला है, ये पूरा हो जाएगा 0. तो फाइनली क्या मिला? 2 पाई बाई 3 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी. सो एफ ऑफ टी का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं. सो एफ ऑफ टी इज कॉस टी माइनस 2 पाई बाई 3 डी टी. दिस इज डी टी. एफ टी की वैल्यू है कॉस टी माइनस 2 पाई बाई 3. क्लियर? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो डिफिनीशन में है वो कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पे टी जैसा आता है, जैसे अगर हमें कॉस टी का इंटीग्रल हमें पता है, कॉस टी का लाप्लास हमें पता है, कॉस टी का लाप्लास हम जानते हैं होता है एस स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से. तो अगर हम इसको कॉस टी के फॉर्म में बना लें, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि टी माइनस 2 पाई बाई 3 को कुछ मान लें. तो सपोज करिए हम उसको एक्स मान लें. तो सपोज टी माइनस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स, तो डी टी क्या हो जाएगा? डी टी इक्वल डी एक्स. ये डी टी चेंज हो जाएगा डी एक्स में. उसके बाद हम लिमिट भी चेंज करेंगे. जब लिमिट में यहाँ पे हम टी की जगह 2 पाई बाई 3 रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 0. सो इफ टी इज 2 पाई बाई 3, तो एक्स कितना मिलेगा? ये जो दोनों लिमिट है वो किसकी लिमिट है? वो टी की लिमिट है. तो अगर हम टी को पुट करेंगे यहाँ पर, तो टी माइनस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो हमें एक्स क्या मिलेगा? एक्स की वैल्यू मिलेगी 0. और दूसरा, जब हम इन्फाइनाइट यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी इन्फाइनाइट. जब टी को हम इन्फाइनाइट करेंगे, तो एक्स क्या मिलेगा? इन्फाइनाइट. तो हमारा लिमिट चेंज हो रहा है, 2 पाई वाला हो जाएगा 0, और टी जब इन्फाइनाइट रखेंगे तो हमें मिलेगा इन्फाइनाइट. तो हमें मिलेगा लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस एस, और इस टी के प्लस पे क्या हो जाएगा, यहाँ से टी इक्वल 2x प्लस 2x 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स,
दिस इज 2π/3 प्लस एक्स, इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो इस टी के प्लेस पर 2π/3 प्लस एक्स इंटू कॉस, और इस पूरे को हमने क्या माना है एक्स, और डी टी हमारा क्या है डी एक्स। क्लियर, बहुत आसान है, हम इसे पुट कर रहे हैं उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। लिमिट चेंज करना है तो हम टी की जगह एक बार 2π/3 रखेंगे, एक बार टी की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे। जब 2π/3 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आती है 0, और जब इन्फाइनाइट रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आती है इन्फाइनाइट। सो दिस इज 0 एंड इन्फाइनाइट। क्लियर, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्ट होगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा एक्स के टर्म में है, यहाँ एस और 2π/3 कॉन्स्टेंट जैसा है, तो उसको हम अगर बाहर निकाल लें ई टू द पावर माइनस 2πs/3। क्लियर, अंदर होगा माइनस माइनस एस इंटू एक्स प्लस एक्स एंड कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर, सिंपली हम इस टर्म को बाहर कर रहे हैं, तो ये हमें देगा माइनस 2πs/3 इंटू ये क्या है लाप्लास ऑफ, इसको चाहो तो टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी टी टी, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ कॉस एक्स, या सिंपली हम टी में इसको बदल लें कॉस टी, इस तरह से सिंपल एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं टी से और कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2πs/3 इंटू कॉस टी का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द आंसर, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस मच। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, सो लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन इज e to the power minus 2πs/3 into s upon s square plus 1। ठीक है, तो आगे चलें, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी। सो हियर एफ टी इज गिवन है साइन ऑफ रूट टी। क्लियर, तो हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये है लाप्लास ऑफ 0 to ∞ e to the power minus st इंटू एफ टी डी टी। तो यहाँ हमारा जो फंक्शन गिवन है वो कुछ इस तरह का है साइन ऑफ थीटा या साइन एक्स। हम जानते हैं साइन थीटा होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 factorial, तो फॉर्मूला है थीटा 5 upon 5 factorial थीटा 7 upon 7 factorial, इस तरह से। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ रूट टी इक्वल टू रूट टी माइनस रूट टी का क्यूब अपॉन 3 factorial प्लस रूट टी का 5 power 5 factorial प्लस रूट टी का पावर 7 upon 7 factorial, इस तरीके से ले सकते हैं। तो हमें लाप्लास बताना है, लाप्लास ऑफ साइन रूट टी क्या जाएगा, लाप्लास ऑफ ये सारा कुछ आएगा ब्रैकेट में। क्लियर, लाप्लास ऑफ रूट टी माइनस, या इसको हम हाफ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 ये हो जाएगा 5/2 5 factorial, दिस इज माइनस प्लस माइनस हो गया, सो माइनस
7 by 2 7 by 2 सही किसे। तो इसको हम फिर अलग से कर सकते हैं, तो 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस एस टी टी हाफ डी टी माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 0 टू इनफिनिट। हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ, e टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर 3 हाफ और डी टी प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस एस टी एंड टी टू द पावर 5 बाई 2 डी टी। इसी तरीके से आगे, तो इसके बाद हम टी पावर एन का एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो हमें लाप्लास पता है, लाप्लास ऑफ टी पावर एन ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, क्लियर। लाप्लास ऑफ टी पावर एन होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन एस टू दी पावर एन प्लस वन, या एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन एस टू दी पावर एन प्लस वन, क्लियर है ये। तो हम चाहे तो इसको यूज़ कर लें, चाहे इसको यूज़ कर लें, तो चूँकि फैक्टोरियल में हमारा इंटीजर होता है और यहाँ पर जो पावर दिख रहा है वो 3/2 है या 1/2 है या ये है 5/2, तो इसको हम अगर गामा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तो फैक्टोरियल में हमें इसकी वैल्यू हाफ की फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं, तो अच्छा है कि हम गामा वाले फंक्शन को यूज करें, ठीक है। तो हमें मिलेगा लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट थ्री इक्वल, यहाँ पे क्या है हाफ, तो लिख सकते हैं हाफ प्लस वन अपॉन एस टू द पावर हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन मीन्स 3/2, क्लियर। इस पहले टर्म के लिए, पहला टर्म के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं टी टू द पावर हाफ है, यहाँ पे हाफ हो गया, ठीक है। ये एक तरह से क्या है लाप्लास ऑफ टी टू द पावर हाफ, या इस टर्म को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसा ना लिख के चाहते तो हम इस तरह से भी लिख सकते थे लाप्लास ऑफ टी टू द पावर हाफ, बल्कि ऐसे ही लिखेंगे फिर वन अपॉन जो फैक्टोरियल था आगे, शायद यहाँ माइनस था, माइनस 3 फैक्टोरियल, और उसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ टी 3/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू लाप्लास ऑफ टी टू द पावर 5/2, और उसी तरीके से आगे था। तो हम यहाँ लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन को यूज़ करेंगे, अगर इस फॉर्मूले को बना बड़े आराम से एन की जगह हाफ रखना है, हाफ प्लस वन और नीचे हाफ प्लस वन, उसी तरीके से इसमें माइनस 1/3 फैक्टोरियल 3/2 प्लस वन दैट इज 5/2 और नीचे एस टू द पावर 5/2, उसी तरीके से 1/5 फैक्टोरियल और ऊपर क्या हो जाएगा 7/2 अपॉन गामा 7/2 और एस टू द पावर 7/2, उस तरीके से यहाँ हमें मिलेगा गामा 3/2 एस टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू पाई अपॉन एस टू द पावर 5/2, क्लियर। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये हमने गामा फंक्शन से लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 3/2 और 1/2 और अंडर रूट 5, तो दिस इज अपॉन 7/2, क्लियर। एक टर्म हमारा नहीं, ठीक है, माइनस
तरीके से इसको हम लिख सकते हैं हाफ एंड रूट पाई। सो हम कॉमन ले सकते हैं कुछ हाफ एंड रूट पाई अपॉन में एस टू दी पावर 3 हाफ। यहाँ से क्या बचेगा हाफ एंड रूट पाई, ये टोटल हमने बाहर ही ले लिया है, तो 1 माइनस, क्योंकि ये जो देगा वो क्या देगा हाफ एंड रूट पाई, तो टोटल बाहर ही है। यहाँ से हमें मिलेगा हाफ और रूट पाई हमने बाहर किया है, और एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 और यस 3/2 बाहर है, 5/2 यहाँ है, तो एक यहाँ बच रहा है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, और 3 factorial में 3 into 2 होता है, और ये 2 यहाँ आ गया, 4 हो गया। उसी तरीके से प्लस यहाँ से हमारा 2 बाहर है, 2 तो क्या बचा 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/5 4 3 2, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉमन है यहाँ पे, और नीचे से वो 1/s² यहाँ से, और 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 16, ठीक है। 5 और 3 कैंसिल होगा, 4 × 8, 5 5 और 3 यहाँ से कैंसिल हो गए इसमें, और 2 2 4 और 8 42, मेबी 32, सो दिस इज 32, 4 इसका और 4 × 8 = 32, 32 इस तरीके से। क्लियर, तो इसको हम ले सकते हैं 1/2s, ये हो जाएगा अंडर रूट पाई बाई एस, इसका एस एस यहाँ पे और एस का हाफ यहाँ पे है, और इसको लिख सकते हैं 1 − 2 का² × 1/s, ये हो जाएगा 1/2 2² × 2 factorial 2s². सो 2 × 4 1 − x और x² / 2 तो दिस इज 4, यहाँ पे 2 नहीं लेंगे बल्कि s² हम इसको e^x बनाना चाह रहे हैं, तो हम 32 को इस तरह से लिख सकते हैं 2^4 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 factorial। क्लियर, चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2^2 और इसका power 2, इस तरीके से हो जाएगा 1/2s और अंडर रूट 5/s। अब ये देखिए क्या है 1 − x, अगर इस पूरे टर्म को हम x समझें, यहाँ पे क्या है x² दिख रहा है, x² / 2 factorial, e^x का एक्सपेंशन क्या होता है e^-x का, 1 − x - x यहाँ होगा प्लस 1 − x प्लस 2 factorial, उसी तरीके से −x³/3 ऐसे ही आगे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पे x की जगह पे क्या है, ये हमारा टोटल x है, ठीक है।
तो ये टोटल x की तरह है, तो हम क्या लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x मीन्स 1/2 square s, 2 square s, या इसी को हम सिंपली लिख सकते हैं 1/2s अंडर रूट पाई बाई एस वर्सेस पाई बाई एस एंड e टू द पावर माइनस 4s। तो ये रहा फाइनल आंसर। सो लाप्लास ऑफ साइन ऑफ रूट टी इज इक्वल टू 1/2s अंडर रूट पाई बाई एस इंटू e टू द पावर माइनस 4s। ये रहा फाइनल आंसर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n विच इज n प्लस 1, गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। उसके बाद लास्ट में हम खाली इसको अरेंज किए हैं e टू द पावर के रूप में कि हम इस फॉर्म में इसको बना पाएँ जिससे हम ऐसा लिख पाएँ e टू द पावर माइनस 4s। हमेशा हम आंसर को छोटा बना के लिखते हैं, तो ये छोटा सा हो गया 1/2s अंडर रूट पाई बाई एस इंटू e टू द पावर माइनस 4s। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस या थ्योरम लेके आएंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।